हे गाइस, दिस इज करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना पिछली बार मैंने बनाया था पनीर टिक्का मसाला। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसी तरह से मैंने बनाया यहाँ पे आज कढ़ाई पनीर। तो मेरे बहुत टाइम से मन में था कि मैं वो बनाऊँ और आपको बताऊँ उसकी रेसिपी, और लिटरली बहुत अमेजिंग बना था। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मसाला हम बाहर से नहीं लाएंगे, उसके लिए घर पर मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले ना 3 चम्मच के करीब हरा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 सूखे लाल मिर्च, 2 इलायची और 3 लौंग मैंने यहाँ पे पैन में डाला है। गैस बंद है तो जो सूखी लाल मिर्च है उसके ऊपर का डंकल निकाल देंगे। और उसके बाद ना इन्हें मीडियम फ्लेम पर ना अच्छे से चलाएंगे जब तक कि इनमें से अच्छी खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती। और अभी बरसात का मौसम है तो सीलन नहीं निकल जाती, तब तक इन्हें चलाना है। तो अब ना मैंने अच्छे से चला लिया और इसमें इनमें से खन खन की आवाज़ भी आनी शुरू हो गई। तो अब इन्हें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाल लेना है और ढक्कन देकर ना इनका एकदम जितना हो सके ना उतना बारीक आपको यहाँ पे पाउडर बना लेना है। तो हमारा जो जो कढ़ाई पनीर है उसके लिए होममेड मसाला यहाँ पे बनकर तैयार है। तो अपना आगे के प्रोसेस के लिए एक पैन लिया है। पैन में डालेंगे यहाँ पे हम ऑयल, ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे रफली चॉप्ड प्याज ऐड करना है और प्याज को ना एक बार हल्के से चला लेना है जब तक कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। तो प्याज को मैंने यहाँ पे उतना चला लिया जितना कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया। तो अब ना रफली चॉप्ड मैंने 2 टमाटर लिए हैं, वो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड करे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, जैसे स्वाद अनुसार नमक। और नमक ऐड करने के बाद ना आपको इसको तब तक चलाना है जब तक कि हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो बीच में हमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, आधा आधा चम्मच के करीब दोनों पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है। तो इनको भी साथ में चलाते रहना है ताकि इनका भी जो टेस्ट है इस सब्ज़ी के अंदर घुल मिल जाए। अपना हमारे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, मैंने यहाँ पे प्रेस करके देख लिया है। तो गैस ऑफ़ कर दिया और उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया। और उसके बाद ना दूसरी तरफ एक और पैन चढ़ाया, उसमें हमारे कटिंग करे हुए जो पनीर है जिससे हम कढ़ाई पनीर बनाएंगे, उन पनीर को हमें मीडियम फ्लेम रखते हुए ना यहाँ पर अच्छा कलर आने तक मतलब भून लेना है। मतलब चारों तरफ अच्छा कलर आ जाए पलटते हुए आपको यहाँ पर कलर आने देना है और उनको बारी बारी से पलटते रहना है। अगर आपने गैस का फ्लेम एक साथ में तेज रखा तो पनीर के जलने की जो है संभावना वो ज़्यादा रहती है, इसलिए ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पर आप इसे पलटते रहें और इसका अच्छे से कलर आने दें। तो अब ना ऑलमोस्ट मैंने पलट पलट के काफ़ी कलर ला दिया है। तो अब ना थोड़े से पनीर में और दूसरी तरफ कलर बाकी है। तो अब ना ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे कर लिया, सारा कलर जितना चाहिए था आ गया। और दूसरी तरफ हमारे ये जो प्यूरी है टमाटर वाली वो भी ठंडी हो गई है। अब मिक्सी के जार में डाला, थोड़े से काजू डाले, काजू ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाले, टेस्ट अच्छा आता है। इसको भी फाइन पेस्ट बना लिया। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई, उसमें डाला तेल, थोड़ी सी यहाँ पर डाला है जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाए तब तक के लिए हमें यहाँ पे रखना है गैस को। उसके बाद ना चटक जाने के बाद ना यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से प्याज लिए हैं। तो इनको भी ना अच्छे से चला लेना है जब तक कि हमारी हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो अब ना मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए करीब चला लिया। उसके बाद हमने जो घर पर मसाला बनाया था वो मसाला अच्छे से मिक्स करना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखना है, हाई फ्लेम पर मसाला नहीं डालना। मसाला अच्छे से कोट हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो टमाटर प्याज वाली प्यूरी थी वो ऐड करनी है। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और थोड़ा सा पानी डालकर भी प्यूरी को डाल देना है, क्योंकि वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना कोई भी चीज़ को हमें। तो अब ना अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मिर्ची पाउडर। इन दोनों को डालकर करना है अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे ना मसाले आप अपनी पसंद अनुसार जितना तीखा या फिर फीका खाते हैं उस हिसाब से ऐड करें। थोड़ा सा टेस्ट हाथ में लेकर टेस्ट कर सकते हैं। पहले भी हमने नमक डाला था इसलिए अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है। थोड़ा सा डाल 1 चम्मच के करीब डालेंगे कसूरी मेथी। तो इनको भी अच्छे से मिक्स कर दिया और ढक्कन देकर हमने पकाया था। और तो अब ना पानी की ज़रूरत हमें लग रही है, तो 1 छोटे कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे पानी ऐड करा है और इस पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन देकर 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो हमारे मसाले का प्रॉपर कच्चापन निकल गया है। तो अब ना हम यहाँ पे पनीर डालेंगे। तो पनीर को डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करना है। तो कढ़ाई पनीर में मेन जो प्रोसेस है वो पनीर का होता है। तो पनीर को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें
फ्रेश हरा धनिया, हरा धनिया डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ना हम यहाँ पे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए आराम से ढक्कन देकर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि पनीर में अच्छे से कोटिंग हो जाए मसाले की। तो यहाँ पे 2 मिनट प्रॉपर मैंने पका लिया और ढक्कन देकर ना गैस ऑफ करके भी 1 मिनट और एक्स्ट्रा रख दिया ताकि भाप से भी वो कुछ अच्छा टेस्ट आए। और हमारे यहाँ पे घर पर बाजार जैसा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है।